जंगल और जानवरों की रक्षा के लिए सरकार कानून बनाती रहती है, लेकिन इन कानूनों के अमल के लिए वो कितनी जागरूक है ये बताने की जरूरत नहीं। पिछले दिनों सीहोर में एक हिरण ने वन विभाग के दफ्तर में जिंदगी की जंग लड़ी, लेकिन हमारे पूछने पर वहाँ के साहब का कहना था कि ऐसे हादसे रोज होते हैं। पेश है हमारी ये मार्मिक रिपोर्ट। सरकार इनके संरक्षण के लिए कितनी सक्रिय है, इसका अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि एक हिरण के कत्ल और मांस की दावत के जुर्म में सलमान खान और नीलम जैसे फिल्मी सितारे अब भी अदालत और वकील के चक्कर काट रही हैं। शायद ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे प्रदेश में हिरण कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। न्यूज एंड व्यूज की टीम निकली तो थी एक रिपोर्टिंग के सिलसिले में, लेकिन इस दफ्तर में एक हिरण देख कर रुक गए। पता चला कि सुबह यह हिरण जंगलों में घायल पाया गया था। वनकर्मी इसे इलाज के बहाने यहां ले आए, लेकिन घंटों तक, जब तक हम खड़े रहे, हिरण तड़पता रहा। यह मासूम बेगुनाह पुकारता रहा अपनी हर फुंकार से, हर तड़प से। दहल गए हम उस मासूम की जिंदगी और मौत से जंग देखकर, छटपटाहट देखकर। लेकिन नहीं पसीजे वो लोग जिन पर थी जिम्मेदारी, और निराले थे उनके जवाब। अरे साहब, रोजाना होते दो तीन, एक दो दिन छोड़ के। क्या वजह? ये ट्रकों से टकराते हैं, बहुत ज्यादा है इधर इंटीरियर में। अरे साहब, गिनती नहीं था, यहाँ था अधिकांश, बहुत ज्यादा देखने में गिनती नहीं है, डेली हो रहे हैं। जानवर इधर से उधर निकलने में टकरा जाते हैं। शायद आदि हो चुका है जंगल महकमा रोज रोज होने वाले इस तरह के हादसों का। तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस फुंकार का, लंबी टूटती सांसों का, थमती धड़कनों का। बस चंद कदम के फासले पर है अस्पताल, लेकिन घंटों तक न जाने कौन सी खाना पूर्ति जारी थी कि बेबस जानवर को धूल भरी ट्रॉली में रखकर तड़पाया गया। किसी से यह भी ना हुआ कि उसे छांव में रख देते, दो बूंद नीर टपका देते उसके प्यासे लबों पर, ताकि कम से कम सुकून की मौत तो मिल जाती। कई परसों नाचों सब बड़े बड़े जलाते। क्या गया? हैं? गया गया मर गया। माइक लाना, अभी नहीं मरा यार। 12-14 जला चुके हैं। गया है? गया चल रही है, घंटों तक चला वन विभाग का ये ड्रामा। लेकिन आखिर कब तक धीरज रखते यमराज, तड़प तड़प कर आखिर प्राण त्याग दिए उस हिरण ने। जब उसे ले जाने की तैयारी हुई, इस दुनिया से रुखसत हो चुका था वो बेचारा। अगले रोज जब हमने वरिष्ठ अधिकारियों से इस मौत पर जवाब चाहे, तो कोई भी अधिकारी कैमरे के आगे बोलने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जब एक अधिकारी बोल रहे थे, तो हमारे चतुर कैमरामैन ने आवाज रिकॉर्ड कर ली। यहाँ तो रोज कितने हिरण का वो होता है, तकरीबन वहाँ पे वहाँ। हकीकत तो यही है जिसे ट्रैक्टर ड्राइवर ने हमें बताया, या फिर अनौपचारिक संवाद में वन अधिकारी ने स्वीकार किया। जब बात आती है कैमरे पर बोलने की, तो अधिकारी अपनी बात से, या यूं कहें हकीकत से ही बिल्कुल पलट जाते हैं। ये सुनिए। वैसे कितने हिरण मर जाते मैंने वहाँ? नहीं नहीं, कोई कोई इसका आइडिया नहीं, कोई जानकारी नहीं। कुर्सियां बदलती हैं, लेकिन नहीं बदलते तो सुर। नहीं स्वीकारी जाती सच्चाई। जमीनी स्तर पर काम करने वाले वन विभाग के छोटे कर्मचारी सच बोलते हैं, लेकिन अधिकारी
हकीकत को छुपाते हैं अपने शब्दों के पर्दे से। ऐसा कुछ नहीं, वन विभाग अपने कर्तव्य के प्रति पूरा कर्तव्य निष्ठ है और सभी आदमी पूरी कर्तव्यता परायणता से अपना काम कर रहे हैं। इन अधिकारियों की बात करें तो अपनी वाहवाही करते वक्त भी किसी नेता से कम नहीं लगते, लेकिन जब इनसे इनकी कमियां पूछी जाए तो इनको सांप सूंघ जाता है। अब इन महाशय को ही देखिए जो ऑफ द रिकॉर्ड बहुत कुछ बोल रहे हैं लेकिन कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलेंगे। इसको बंद करिए, फिर बताते हैं। ये बंद है, बंद है। ये बताइए रंजन साहब क्या कह रहे थे? रंजन साहब से नहीं बात हुई। हमारे कैमरे में न सिर्फ कर्मचारियों की बातें रिकॉर्ड हैं बल्कि हिरण की जिंदगी और मौत से जंग भी। लेकिन साहब कहते हैं कि गुमराह किया है हमें। विरोधाभास यह है कि बड़े अधिकारी कैमरे के सामने इस हकीकत को सिरे से ही खारिज कर रहे हैं, तो सवाल यह है कि आखिर बड़ी संख्या में मारे जाने वाले इन मासूम जानवरों की लाशें जाती कहां हैं? सवाल यह भी है कि कहीं इन हिरणों की खाल और सींग की तस्करी को तो अंजाम नहीं दिया जा रहा, और वन अधिकारी कहीं इस गोरख धंधे में शामिल तो नहीं है। चाहे वजह कुछ भी हो, इन मासूम हिरणों की बलि किसकी भेंट चढ़ती है? भ्रष्टाचार की या उससे कहीं अधिक इनके खालों की तस्करी की? सीहोर से दीपक शर्मा की रिपोर्ट के लिए कैमरामैन आशीष बलाल के साथ मैं सुषमा, न्यूज एंड व्यूज से।